हेलो गाइज, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने अध्याय 6 यानी कि त्रिभुज लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज हमें पढ़ना है अध्याय 6 यानी कि त्रिभुज। प्रश्नावली आज आपका रहेगा 6.1, और हम लोग एक ही क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। और 6.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसलिए मैं इसको जल्दी से ही बताता हूँ कि सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त जो होते हैं क्या क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? समरूप होते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, और उसके बाद जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वागेशम होते हैं। तो आप जानते होंगे कि सभी वर्ग जो होते हैं क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उसके बाद सभी डैश त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, क्या होते हैं? समबाहु होते हैं। ओके, उसके बाद आगे देखेंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि 1 नंबर उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तथा उसकी संगत भुजाएं हो समानुपाती हो। तो पहले में क्या हो जाएगा? बराबर, और दूसरे में क्या हो जाएगा? समानुपाती। उसके बाद यहां बोला है 2 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों को 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इस चीज को हमें देखना है। तो हम फिगर बना लेते हैं एक छोटा सा, और देखेंगे यहाँ पे छोटा सा फिगर बना के। बोला है ना कि समरूप आकृतियाँ, तो समरूप आकृति के लिए जैसे आप एक छोटा सा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज बना लीजिए। सपोज मानी मैंने एक यहाँ त्रिभुज बनाया और यहाँ जो है एक बड़ा त्रिभुज बनाया। ठीक है, इससे बड़ा है या छोटा है, यह क्या है दिख रहा है आपको? बड़ा दिख रहा है, यह समरूप है। यानी कि इसका नाम हम रखते हैं ए, बी और सी। ये क्या है आपके पास? डी रख लेते हैं, ई रख लेते हैं, और इसका नाम एफ रख लेते हैं। ये दोनों में क्या है, देखने में सामान्य है, लेकिन दोनों की आकृति जो है ना, आकृति आकृति दोनों की जो है अलग अलग है। इसकी आकृति छोटी है, इसकी आकृति जो है क्या है? बड़ी है। लेकिन ये दोनों क्या है? त्रिभुज, यानी कि यह क्या है? समरूप है। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो यहाँ समरूप नहीं है तो कोई भी आकृति आप बना सकते हो। एक मानते हैं त्रिभुज बना देते हैं, एक हम वर्ग ले लेते हैं, जो आकृति क्या है? समरूप नहीं है, सिंपल वे में। अब यहाँ क्वेश्चन 3 नंबर जो दिया गया है, इस चीज को देखेंगे ना कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। इसके देखिए, ये चतुर्भुज जो है समरूप है या नहीं है। तो यहाँ देखने से ही आपको यहाँ लग रहा होगा, यहाँ देखने से ही लग रहा हो कि इसके अनुपात जो होंगे क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन संगत कोण जो है इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है 90 अंश का कोण बनाना है, यहाँ पे कोई कोण नहीं बना रहा है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये काटोगे तो 1/2 के रूप में आ जाएगा। यहाँ भी ए बी सी डी और पी क्यू आर के अनुपात जो होंगे ना क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन इसकी संगत जो कोण जो है आपस में क्या है? बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है इस चारों पे, और इस पे जो है कोण नहीं बन रहा है। तो इस हिसाब से इसको कर लीजिएगा। चलिए फिर हम आगे चलेंगे, महत्वपूर्ण पार्ट्स जो है हम लोग जानेंगे। एक्सरसाइज 6.2। 6.2 से पहला क्वेश्चन हम आज करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? आकृति 16.17, यही बोला है ना। 1 और 2 में डीई समांतर बीसी, डीई समांतर क्या है? बीसी है। और दूसरा है क्या है? ईसी, और दूसरा दिया है एडी ज्ञात करें। हमें निकालना क्या है? एडी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है ए बी और सी। ए और डी की डिस्टेंस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्या है? बी का 3 सेंटीमीटर। ए और ई का सेंटीमीटर कितना है? 1 है। और ई जो है, ई और सी जो है हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज देख रहे हैं, हमें एडी इसमें फाइंड आउट करनी है। फिर बी का कितना दिया गया है मेरे पास? 7.2 सेंटीमीटर। और ई और सी की दूरी कितनी है? 5.4 सेंटीमीटर। और ए और ई की डिस्टेंस जो है 1.8 सेंटीमीटर, यह दिया है। इसे हमें क्या करना है? निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल चुटकी बजाएंगे और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, आकृति की तो कोई जरूरत है नहीं कि हमें आकृति बनानी है।
आकृति, अगर जरूरत है तो आकृति भी हम बनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी हम करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नावली जो है हम लोग का कितना है 6.2। प्रश्नावली 6.2 ठीक है, और यहां लिख सकते हैं क्वेश्चन 01 ठीक है। अब फिगर की बात है तो चलिए हम फिगर भी बना लेते हैं, थोड़ा सा स्केल मुझे लेना होगा तो चलिए मैं स्केल लेके फिगर भी बना देता हूं आप लोग को देखने में जो आपको रोचक लगे। तो चलिए फिगर भी आप यहां देख सकते हो, फिगर भी बहुत अच्छा बन गया है। ए बी और सी, ए डी का मान दिया गया है 1.5 और बी डी और बी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, ए और ई का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, ई और सी जो है आपको निकालनी है ओके। चलिए ए डी का मान जो है यहाँ तो आपको निकालनी है, ए डी का मान, ए डी और बी का मान 7.2 सेंटीमीटर, ए और ई का मान 1.8 सेंटीमीटर, ई और सी का मान जो दिया है 5.4 सेंटीमीटर। यह फिगर जो है आपके यहाँ दिख रहा है, इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम हल करेंगे। तो सॉल्व लिखे के हम पहला फिगर का काम करते हैं इसका ठीक है। तो चलिए हम लिख लेंगे यहाँ डी और ई, डी और ई समांतर किसके हैं भाई, बी और सी के, यानी डी ई समांतर किसके हैं बी और सी के, हम लिख सकते हैं यहाँ डी ई समांतर किसके हैं भाई बी और सी ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट क्या करनी है ई और सी, ई और सी जो है हमें क्या करना है निकालना है ठीक है। फिगर से आप देख सकते हैं, तो चलिए हम लिख लेते हैं जो जो मान है उसको हम लिखते हैं यहां डायरेक्ट लिखेंगे क्या थेल्स प्रमेय से। हम जब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आप अपने फिगर में आप आराम से देख लीजिए कि थेल्स प्रमेय का जब हम प्रयोग करेंगे तो मेरे पास क्या बन रहा है, पहला ए डी बटा का क्या बन रहा है डी और बी समांतर इक्वल ए ई बन रहा है ई और सी ओके। क्लियर है, क्लियर है। यहां भी आप फिगर में चाहो तो देख सकते हो, यहां मैं बुक रख देता हूं, बुक से भी आप चाहो तो देख सकते हो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ए और डी यहां देख सकते हैं आप, यहां दिख रहा होगा आपके पास ए डी बटा का क्या है डी और बी ओके। यहां दिख रहे दिखेगा आपको कि दूसरा कोण क्या बना है ए ई, ए ई ए और ई, दूसरा कौन बना है ई और सी, ई और सी। इस चीज को हमने लिख लिया, जो मान है इसमें हम मान को क्या करना है हमें सिर्फ भर देना है और कुछ नहीं करना है। ए डी का मान कितना आया था हमारे पास 1.5, डी बी का मान कितना आया है भाई 3, ए ई का मान जो है कितना है 1 आया है, ई और सी जो है हमें क्या करना है निकालना है, यही चीज है ना हमें निकालना है। तो चलो इसको हम गुणा करते हैं, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो 15 भाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 1/2 ई और सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या छोड़ देते हैं, 15 × 2 = 30 यानी 1/2 इक्वल क्या हो जाए 1/2 ई और सी। क्रॉस जब उसको गुणा करिएगा 1/2 गुणे में 1/2 ई सी, तो क्रॉस गुणा करिएगा तो ई सी बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास सॉरी आंसर आएगा ओके। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल आसान है। चलिए अब दूसरा फिगर के अनुसार हम देखेंगे, सॉल्व लिखेंगे इसी में, हम सॉल्व इसी में लिखेंगे हम और दूसरा फिगर के अनुसार करते हैं। चलिए ए डी, ए डी तो हमें निकालना है भाई, ये तो सिंपल है, तो हम पहले समांतर देख लेंगे ना, इसका समांतर कुछ है मेरे पास, समांतर है डी ई समांतर किसके हैं भाई बी सी के। चलिए इसका मान रख लेते हैं ए डी बटा का क्या बनेगा मेरे पास डी और बी बनेगा, ए ई बटा क्या बनेगा ई और सी। अब इसका मान उठाकर भर दीजिए, यहां मैं मान रखता हूं क्योंकि आपको दिखे सामने से, ए ई जो है आपको, ए डी जो है आपको निकालना है, डी और बी का मान कितना है 7.2 है, ए ई का मान कितना है 1.8 है और ई सी का मान कितना है 5.4 है। चलिए अब फिगर की जरूरत नहीं, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। चलो ए डी बटा का 7.2 इक्वेशन 1.8/5.4 ठीक है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लेते हैं ए डी बराबर गुना करेंगे 1.8 गुणे का क्या कर सकते हैं 7.2 बटा का इतना
फाइव पॉइंट का फोर। अब इसको क्रॉस करना है, क्रॉस कर दीजिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए। अगर इसको पॉइंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 गुणे 7.2 बटा कितना हो जाएगा 54 गुणे का कितना हो सकता है 10। इसको काटना है तो काट दीजिए, 18 तिया कितना हो जाएगा 54, 3 दूना 6 और 3 चौका 12 और सॉरी यहाँ 10 छोड़ा है मैंने, 10 बड़ा 10 खत्म। क्या बच गया आपके पास, 2.4, यानी कि AD बराबर कितना जगह 2 पॉइंट का, ये जो हुआ आपका आंसर हुआ। तो एक क्वेश्चन जो है आज मैंने आप लोगों को खत्म किया है, कल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन संख्या 2 जो है मैं आपको करके दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।